गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अवेंजर्स लोगों ने पार्टी कर रखी है अपने घर पर और मुझे नहीं बुलाया। भाई साहब आज तो ब्लैक फ्रैंकलिन भी आया यहाँ पर। फ्रैंकलिन, अरे हाँ, इतना ही नहीं, एक मिनट, अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, यहाँ पर तो रेड हल्के ब्लैक हल्के, यही बिल्कुल, यहाँ तो विलन्स और सुपर हीरोज है। क्या सुपर हीरोज और विलन्स एक हो गए? लेकिन कब से? ये तो बहुत गलत है गाइस, जरूर इन सुपर हीरोज की और सुपर विलन्स की कोई साजिश होगी। हे तुम लोग मेरे दोस्तों से दूर रहो। चुप कर, आराम मजा आ रहा है। आज से सुपर हीरो हमारे दोस्त हमारी ज्यादा चलेगी यहाँ पर, तेरी नहीं चलेगी। सिंचन बिंचन तुम भी हमारे पास आओ। नहीं सिंचन बिंचन तुम इनके पास मत आना यार। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या हो गया तुम लोगों को? चल यहाँ पर चुपचाप इनको भगाओ यहाँ से। हल्क, हल्क नहीं भगाएगा फ्रैंकलिन, चुपचाप यहाँ पर मजे कर। सुपर विलन्स को मैंने बुलाया है, ये सभी आज से हमारे दोस्त हैं, हम सभी साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे। क्या ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये सुपर विलन्स बहुत बुरे हैं यार। टोनी स्टार्क मेरी बात मान, इन्होंने ना जाने कितनी बार मुझे, तुम्हें और हमारी फैमिली को मारने की कोशिश की है। फ्रैंकलिन पुरानी बातें भूल जा और यहाँ पे मजा कर। नहीं मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे ब्लू रिवेंजर निकल यहाँ से। अरे चल पहाड़ में जा फ्रैंकलिन। क्या मुझे पहाड़ में जाने बोल रहा है? ये मेरे दोस्तों का घर है, ठीक है, मैं यहाँ पर जब चाहूँ आ सकता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे टोनी स्टार्क तो मानता ही है। एक मिनट सिंचन बिंचन चौप तुम क्या करो? वाह भाई साहब मजा आ रहा है। अरे हाँ काफी मजा आ रहा है, अब से सुपर विलन हमारे भी दोस्त है। क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया यार, ये क्या चल रहा है? अरे बाप रे क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन निकल जाओ यहाँ से, बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से, तुझसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। फ्रैंकलिन सुपर विलन हमारे दोस्त बन गए, दुनिया में शांति होगी, तुझसे देखा नहीं जा रहा। अरे यार ये कोई षड्यंत्र है गाइस, इनको समझाओ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ये हम सबको मार देंगे। कोई किसी को नहीं मार रहा है, तू चाहता है यहाँ पर सुपर विलन बन जाए, ठीक है, हम नहीं मानना चाहते, तू यहाँ पर सबको सुपर विलन बनाना चाहता है, बिल्कुल मारो इसको, ये हमें सुपर हीरो नहीं बनने देगा, हमें सुपर विलन मानता है। अरे बाप रे ये सच्चाई है, टोनी स्टार्क मैंने सोचा नहीं था तू इसके साथ मिल जाएगा। सिंचन बिंचन यार तुम तो मेरी बात सुनो रे। कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? निकल जा फ्रैंकलिन यहाँ से। गाइस ये क्या, हल्क नाचेगा, हल्क का दोस्त सुपर विलन। सिंचन बिंचन चलो घर चलते हैं, यही हम नहीं जा रहे हैं। अरे फ्रैंकी भैया चली जाइए यहाँ से, अब सुपर विलन और एवेंजर्स सब साथ हो गए, हम भी उनके साथ हैं, निकलिए। हाँ आप चलते हैं हमारी खुशियों से। ऐसा नहीं है, एक दिन देखना तुम लोग बचताओगे। गाइस आप लोग मेरे साथ हो ना, साथ हो तो प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। एवेंजर्स ने यहाँ तक किया, बचाओ एवेंजर्स, हेल्प मी, जरूरी है, इन विलन्स की चाल है, किसने किसने मारा मुझे, कौन, हेल्प मी, कोई वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ये क्या, एक मिनट गाइस मैं जिंदा हूँ क्या? मैं जिंदा हूँ शायद गाइस, ये तो मुझे धरती, एक मिनट ये कहाँ पर हूँ मैं? अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? ओह नो दोस्तों ये कहाँ गया मैं? ओह नो मुझे मुझे ग्रेवयार्ड में कौन फेंक कर गया? और यहाँ पर एक मिनट मेरी बॉडी ताबूत में क्या कर रही है? गाइस मेरी बॉडी कॉफिन में क्या कर रही है? मैं मर गया, मैं मर नहीं सकता, मुझे किसने मारा? मेरे एवेंजर्स दोस्त इतने अच्छे थे, क्या उन्होंने मारा, या फिर सुपर विलन्स ने मारा, या फिर सिंचन विंचन ने मारा, किसने मारा? गाइस सब ने मुझे भगा दिया था। एक मिनट ये ड्रिल मशीन यहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है किसी ने कब्र खोद कर ताज़ा ताज़ा मुझे फंसाया है। गाइस मैं इसी ड्रिल मशीन से अपनी बॉडी को बाहर निकालूंगा। गाइस आप प्लीज वीडियो लाइक कर दो। अरे मैं जल के रहा हूँ, लगता है यहाँ पर एक बार कोई मर जाए तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता शायद। प्लीज गाइस अगर आप चाहते हो मैं जिंदा हो जाऊँ तो कॉमेंट में यस जरूर लिखना। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अवेंजर्स मेरे इतने अच्छे दोस्त है, अवेंजर्स तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मुझे किसने मारा? वाह गाइस आज तो मैंने सिंचन पिंचन और अवेंजर्स से इतनी सारी मछलियां पकड़ ली, अब तो बढ़िया कैंपिंग कर गए। अरे हाँ यही बिल्कुल बढ़िया कैंपिंग करेंगे, हमने तो अवेंजर्स करा दिया। वाह भाई साहब हमने ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत याद आ रही है सबकी, अब मैं कभी किसी के साथ खेल नहीं पाऊंगा। हाँ तो फ्रैंकलिन पहला निशाना तू मार, ये ले देख स्टॉक मैंने ठोक दिया, अभी तू मार, ये ऐसे करके। अरे बाप रे इतने ट्रेनिंग वाली, यार मुझसे तो मारा ही नहीं जा रहा है। गाइस देखिए टोनी स्टार्क नूब है। गाइस मुझे हार नहीं मानी होगी, मुझे पता लगाना होगा मुझे किसने मारा है और क्यों मारा है। मेरे दोस्तों ने तो नहीं मारा मुझे, कहीं उन सुपर विलन्स ने तो नहीं मारा। दोस्तों मैं काम करता हूँ, जल्दी से अवेंजर्स के पास जाता हूँ, सिंचन पिंचन के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि मेरी डेथ हो गई है, वो भी स्टॉक मेंशन में ही, मैं वहाँ पे तड़प रहा था और ये सब अभी भी
पार्टियां कर रहे हैं। ओए बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल गाइस मजा आ रहा है, यही बहुत मजा आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत सब मजा आ गया। हल्क नाचेगा, सुपर विलन का बेस्ट फ्रेंड। ए गाइस मेरी बात सुनो, एक मिनट, ये फ्रैंकलिन की आवाज तो आ रही है, फ्रैंकलिन कहां पर है? अरे मैं तुम्हारे सामने हूं गाइस, सुनो मेरी डेथ हो गई है। अरे क्या मजाक कर रहा है, देख रहा टोनी स्टार्क, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, असल में टोनी स्टार्क तेरे स्टार्क मेंशन में किसी ने बॉम्ब लगा रखे थे, वो भी हिडन वाले। जैसे ही मैं चल के जा रहा था तुम लोगों ने मुझे स्टार्क मेंशन से भगाया था, वो बॉम्ब एक साथ फट गए और मैं वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। क्या क्या तू सच बोल रहा है, क्या तू सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक मिनट तू बोलना चाह रहा है कि तू मेरे स्टार्क मेंशन में मर गया जबकि सारे सुपर विलन्स हमारे साथ पार्टी कर रहे थे और तुझे किसने मारा? मुझे बहुत हंसी आ रही है फ्रैंकलिन, इस दुनिया में अब कोई बुराई नहीं बची है, समझा? तू मजाक कर रहा है, तू मरा भी नहीं है, तू तो असली फ्रैंकलिन भी नहीं है। नहीं मैं असली फ्रैंकलिन हूं, दोस्तों मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? गाइस प्लीज कमेंट में यस लिखो ना, इनको बताओ मैं जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू करो ना जिससे पता चले इन लोगों को कि मैं फ्रैंकलिन हूं। ठीक है मैं जादू करता हूं, अब्राकडाब्रा तीती मानो पावड़ा, अगर ये फ्रैंकलिन रियल है तो दिखने लग जाए। एक मिनट, वो फ्रैंकलिन ही है ना पक्का? मेरे को तो ऐसा ही लगता है। देखिए गाइस समझ गए, अरे बाप रे ये फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन बच्चे तुझे क्या हो गया, तू कैसे मर गया? क्या फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन ये तू ही है? नहीं यार मुझे किसी ने मार दिया स्टार्क। तू चिंता मत कर फ्रैंकलिन, पहले ये पता तेरी डेड बॉडी का है। मेरी डेड बॉडी जैसी मैं मर गया था और मरने के बाद उठा तो मेरी डेड बॉडी ग्रेवयार्ड में पड़ी थी, वो भी एक कॉफिन में बंद, टूटे हुए कॉफिन में। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या हम अपनी फ्रैंकलिन को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं लेकिन पहले बॉडी तक पहुंचना होगा। जल्दी चलते हैं, पहले गाइस हम फ्रैंकलिन को बचाएंगे उसके बाद ये पता करेंगे कि मेरे फ्रैंकलिन को मारा किसने, ये कैसे पॉसिबल है। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मैं सोच रहा था मजाक है, हल्क भी चलेगा, मैं भी चलूंगा, किसने मारा मारा फ्रैंकलिन को, मैं भी चलूंगा, ब्लैक फ्रैंकलिन पता करेगा किसने मारा फ्रैंकलिन को। फ्रैंकलिन भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जिंदा हो जाएंगे। अरे तुम लोग जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द फ्रैंकलिन की आत्मा को उसकी बॉडी में डालना होगा, अगर उसकी बॉडी समय पर नहीं मिल पाई तो फ्रैंकलिन मर जाएगा हमेशा के लिए। नहीं मेरी बॉडी यही है। कहां पर है फ्रैंकलिन, तेरी बॉडी कहां पर है? मुझे बता। गाइस पता नहीं किसने मेरे फ्रैंकलिन को मार दिया। एक मिनट फ्रैंकलिन, इसमें तो तेरी बॉडी नहीं है। नहीं यार इसी में तो थी लास्ट टाइम, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे गाइस क्या सच में इसी में बॉडी थी? अरे बाप रे, अब क्या करें डॉक्टर से? अब कुछ नहीं कर सकते, फ्रैंकलिन को जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी लानी होगी। लेकिन कैसे, बॉडी कैसे लाएं? भाई साहब हल्क, हल्क को माफ कर दो। अरे मेरी फ्रैंकलिन भैया चले गए हमें छोड़ के, फ्रैंकलिन भैया। अरे मुझे भी दुख हो रहा है काफी। गाइस अगर मुझे मेरी बॉडी ढूंढनी है तो ये पता करना होगा कि इन लोगों में से किसने मुझे मारा है। जिसने मुझे मारा है गाइस उसी ने जरूर मेरी बॉडी छुपाई होगी। ये देखिए ब्लैक फ्रैंकलिन कैसे बेकार में रो रहा है। गाइस मेरी बात सुनो, ये जरूर सुपर विलन्स तुम्हारे पास आए इसलिए थे जिससे कि मुझे मार पाए। फ्रैंकलिन मुझे कुछ पता नहीं है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सुपर विलन्स तो सच में हमारे दोस्त बन चुके हैं, वो तुझे क्यों मारना चाहेंगे? वो तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे एक टाइम मशीन चाहिए। ठीक है बच्चे मैं टाइम मशीन का तैयारी करता हूँ, अगर किसी पे भी तुझे शक हो तो उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके तू पास्ट में जाकर चेक कर सकता है कि किसने वहां पर बॉम्ब लगाए थे तुझे मारने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे चेक कर जल्दी। ओके गाइस ये टाइम मशीन है तो मुझे सबसे पहले पूछताछ शुरू करनी पड़ेगी। मैं किससे पूछताछ शुरू करूं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन पर मुझे शक है। गाइस आप लोग मेरी मदद करो, किसने मारा होगा मेरे को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन मेरे भाई, बेझिझक सबसे सवाल पूछ, अगर तुझे मुझ पर भी शक है तो मुझसे भी पूछ। नहीं टोनी स्टार्क मुझे तुझ पर पूरा बिलीव है, तू मुझे क्यों मारेगा? स्पाइडरमैन क्या भाई तूने मुझे मारा? नहीं फ्रैंकलिन बेशक मैं तुझसे जलता था लेकिन मैं तुझे क्यों मारूंगा? क्या तू मुझसे जलता क्यों था? क्योंकि टोनी सर तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। ओह तो गाइस स्पाइडरमैन बोल रहा है कि ये मुझसे जलता था लेकिन ये मुझे मारेगा भी नहीं, पता नहीं गाइस। खैर स्पाइडरमैन ने मुझे मारा होगा या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो गाइस एक काम करते हैं, अब किससे पूछताछ करें? हल्क, हल्क तू बता। हल्क तो सिर्फ बर्गर से प्यार करता है, हल्क तुझे क्यों मारेगा? जब तक तू हल्क का बर्गर नहीं खाएगा हल्क तुझे नहीं मारेगा, हल्क तेरा जिगरी दोस्त है, हल्क तुझे कैसे मार सकता है? तूने ये सोच भी कैसे लिया? अरे बस बस बस, लगता है गाइस हल्क भी निर्दोष है, वो बेचारा मुझे क्यों मारेगा? और कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन? एक मिनट गाइस यहाँ पर ब्लैक रेंजर है। अरे मैंने नहीं मारा फ्रैंकलिन, मैं सच बोलता हूँ भाई, मैं तुझे क्यों मारूंगा, मैं तो अवेंजर्स के साथ पार्टी करने आया था सच में, तू चाहे तो मेरा पास चेक कर ले। क्या गाइस ब्लैक रिवेंजर तो तैयार है अपने पास के लिए। ब्लैक फ्रैंकलिन तू बता। अरे मैंने नहीं मारा फ्रैंकलिन भाई, मुझे तो कुछ रोना आ रहा है, मैं तुझे क्यों मारूंगा, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। क्या गाइस ने कहीं झूठ बोला जबकि इसका जिगरी दोस्त मैं हुई नहीं? गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन जरूर कुछ तो छुपा रहा है, मैं उसके पास में जाऊंगा। फ्रैंकलिन मत जा
प्लीज। देखो गाइस वो रोक रहा है, एक मिनट गाइस यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे सुनो रे, आज असल में टोनी स्टार्क ने हम सभी को पार्टी में बुलाया, जितने भी सुपर विलन्स हैं, इसलिए यहाँ पर धमाका तो होना चाहिए। क्या धमाका होना चाहिए? इसने जल्दी से जितने भी बम पटाखे हैं सारे के सारे इधर भेज दो। क्यों गाइस, ये ब्लैक फ्रैंकलिन बम पटाखे मांग रहा है, शायद हो सकता है ये एवेंजर्स को मारना चाहता हो और गलती से मैं मर गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर गाइस हम आगे देखते हैं क्या होता क्या है। ठीक है जल्दी ऑर्डर कर दिया मैंने, जल्दी से मुझे। अरे वाह मेरे बम पटाखे आ गए। क्यों नो गाइस, लगता है इन बॉम्ब्स को इसने स्टार्क मेंशन की जमीन में छुपाए थे। गाइस मुझे जल्दी पता करना होगा कि किलर कौन है, किसने मेरी बॉडी छुपाई है जिससे मैं जिंदा हो सकूं। अरे वाह क्या ही बम पटाखे हैं, चलो इनको उठाकर जाके बढ़िया तरीके से सरप्राइज दूंगा सारे एवेंजर्स को, सबके सब शॉक हो जाएंगे। देखो गाइस इन एवेंजर्स को मारने के लिए शायद इन बॉम्ब्स को छुपाने वाला है, बोल रहा है सब शॉक हो जाएंगे, मुझे कुछ समझ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, एक मिनट वो क्या हो गया। अरे मेरे बम पटाखे फट गए, मैं तो पहले से ही पूरा का पूरा सरप्राइज का प्लान खराब कर दिया। मैंने सोचा था एवेंजर्स को खुशी मिलेगी जब उनके लिए मैं पटाखे फोड़ूंगा। ओ नो गाइस वो तो बस एक महज पटाखे थे और ब्लैक फ्रैंकलिन का प्लान खराब हो गया था। इसका मतलब ब्लैक फ्रैंकलिन ने वो बॉम्ब नहीं लगाए थे जिससे मेरी मौत हुई थी, तो किसने लगाए थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो जल्दी स्टार्क मेंशन चलता हूं दोस्तों के पास। गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन तो चला गया, देखिए इसका मतलब ब्लैक फ्रैंकलिन यहां पर निर्दोष है, वो सच कह रहा था। ये फ्रैंकलिन भैया पता चला, सॉरी मेरे सिंचन भाई मुझे पता नहीं चला, ब्लैक फ्रैंकलिन भाई तू सेफ है, सॉरी मैंने तुझ पे शक किया। गाइस अब मुझे किसी और के पास्ट में जाना पड़ेगा, किसके पास्ट में जाऊं? हल्क, हल्क क्यों मारेगा तुझे, हल्क तेरा बेस्ट फ्रेंड है, हल्क के दोस्त को किसने मारा? फ्रैंकलिन जिंदा हो जा, मेरी बॉडी चाहिए मुझे तभी तो जिंदा हो पाऊंगा, प्लीज बता दो किसने मारा है मुझे। मैंने नहीं मारा फ्रैंकलिन तुझे, मैंने नहीं मारा। एक मिनट गाइस ये स्पाइडरमैन इतना डर क्यों रहा है? फ्रैंकलिन तू मुझ पे शक मत कर भाई, मैं तुझसे सच में नहीं चलता। एक मिनट गाइस पहले इसने कहा था ये मुझसे जलता था लेकिन ये मुझे मारना नहीं चाहता था, अब कह रहा है ये कि मुझसे नहीं चलता। गाइस ये बात-बात पे बात क्यों पलट रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें स्पाइडरमैन के पास में जाना होगा दोस्तों, कहीं स्पाइडरमैन ने तो मुझे नहीं मार दिया, मुझे जल्दी से जाना होगा। अरे बाप रे गाइस मैं स्पाइडरमैन के पास में आ चुका हूँ, मुझे जल्दी करनी होगी, मेरी बॉडी अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मेरे दोस्तों। कोई नहीं गाइस मैं पास में आ गया हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं स्पाइडरमैन असल में कर क्या रहा है। ओए होए होए मुझे आगे क्या ही बढ़िया बात हो गई। गाइस स्पाइडरमैन इतना खुश क्यों है और ये टोनी स्टार्क सेट क्यों है? अरे यार ये विलन्स तो ज्यादा तबाही कर रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या गाइस टोनी स्टार्क सच में सुपर विलन्स की तबाही से बहुत परेशान था, शायद इसीलिए उसने सुपर विलन्स को अपना दोस्त बना लिया जिससे कि वो तबाही ना करें। बेचारा स्टार्क कितना अच्छा है। खैर कोई नहीं गाइस यहाँ पर ये स्पाइडरमैन कहाँ पर है? अरे पूरा आज तो बढ़िया ही मजा आ गया, मैंने कुछ ऐसे खतरनाक हिडन गैजेट्स बनाए जो विलन्स को चोर चोर कर लेंगे, मैं पहली बार उनका टेस्ट करने जा रहा हूँ वो भी जमीन पे रख के। क्या गाइस स्पाइडरमैन बोल रहा है उसने कुछ हिडन गैजेट्स बनाए जिसका इस्तेमाल करके वो विलन्स की बैंड बजा सकता है और वो उनका इस्तेमाल करने जा रहा है। खैर वो कैसे गैजेट है मैं भी तो देखूं और ये करेगा क्या। जल्दी जल्दी चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, आज मैंने सुना है टोनी सर सुपर विलन्स को यहीं बुला रहे हैं, एक काम करता हूँ सुपर विलन्स के रास्ते में यहाँ पे बहुत खतरनाक बॉम्ब लगा दूंगा, मेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी। क्या नहीं गाइस स्पाइडरमैन ने जहाँ पर बॉम्ब लगाने की बात की है वहीं तो मेरी डेथ हुई थी। गाइस कहीं स्पाइडरमैन के बॉम्ब्स की वजह से तो मैं नहीं मर गया, मैं तो समझ नहीं आ रहा है, अभी आगे पता चल जाएगा। ये यहाँ सही रहेंगे ये लगा दिए गाइस देखिए, लेकिन वैसे मुझे बॉम्ब्स दिखे नहीं थे लेकिन देखिए स्पाइडरमैन ने कुछ चार बॉम्ब लगाए, अभी मेरे को पता चल जाएगा कि असल में जहाँ पर मैं चलकर आ रहा था स्पाइडरमैन ने सच में मेरे को मारा या नहीं मारा। अभी तक तो गाइस यहाँ पर सुपर विलन्स भी नहीं आए, मैं तो बहुत देर में आया था पार्टी चलने के बाद। गाइस देखते हैं आगे होने क्या वाला है, मुझे मेरी बॉडी एक मिनट वो क्या, हल्क छह बर्गर खा के आया आज हल्क पार्टी में नाचेगा। ए हल्क रुक जा भाई, भाई तुझे बॉम्ब लग जाएंगे। ओ नो गाइस ये क्या, बेचारा हल्क, हल्क के दर्द हो गया, हल्क के सारे बर्गर की एनर्जी गायब हो गई, हल्क को अब 600 बर्गर चाहिए। गाइस बेचारा हल्क स्पाइडरमैन के गैजेट्स के लपेट में आ गया, लेकिन एक मिनट गाइस इससे तो ये पता चलता है कि असल में स्पाइडरमैन के बॉम्ब से मेरी मौत नहीं हुई, तो फिर स्टार्क मेंशन की जमीन में किसने बॉम्ब लगाए जिस वजह से मैं मर गया, कौन है वो? अरे अरे मुझे माफ कर दे हल्क, हल्क ये क्या हो गया तुझे, मैं तो यहाँ पे पर टेस्टिंग कर रहा था, सॉरी हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए दवाइयां लाता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे स्पाइडरमैन भी सेफ है, पता नहीं इतना क्यों डर रहा था, लेकिन गाइस मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, किसने मारा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, चलो जल्दी वापस जाता हूँ। अरे बाप रे डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पर, हमारा जो स्पाइडरमैन है वो भी निर्दोष है। स्पाइडरमैन भाई चिंता मत कर, मैंने देख लिया है तू यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन फ्रैंकलिन फिर किसने मारा तुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर मुझे कौन मार सकता है, मैंने बोला तो भाई मैं तुझे क्यों मारूंगा, सॉरी मुझे माफ कर दे स्पाइडरमैन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी डेड बॉडी किसने चुराई है?
एक मिनट गाइस, वो रेडल क्यों भाग रहा है? मैं जल्दी जाता हूँ, पैसे कमाना है। हे रेडल रुक जा। अरे बाप रे, मुझे मत रोक फ्रैंकलिन, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मानता हूँ यहाँ पर तेरी मौत हो गई है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, चुपचाप बता तू भाग क्यों रहा था। गाइस ये बचकर भाग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। गाइस अब हमें रेडल के पास में जाना होगा। नहीं फ्रैंकलिन रुक जा, नहीं जा। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, पास में जाता हूँ। अगर मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है तो जरूर मेरी डेड बॉडी का पता भी इसको पता होगा, फिर यहाँ पे मैं जिंदा हो सकता हूँ। एक मिनट, ये कहाँ पर आ गया मैं? गाइस ये तो जानी पहचानी से फॉर्म लग रही है मुझे यहाँ। अरे एक मिनट गाइस, ये क्या? नहीं 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 नहीं, वो सामने कौन पड़ा है? ओह नो, मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी मर गया हूँ। गाइस लगता है मैं रेडल के कुछ ज्यादा ही आगे वाले पास्ट में आ गया हूँ, जहाँ पर मेरी मौत ऑलरेडी हो गई है। और देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी कार भी फटी हुई है, और वहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन एवेंजर सबके सब मजे कर रहे थे। फिर मेरी बॉडी गायब किसने की? मुझे यही तो पता करना है गाइस। जब मेरी मौत हुई थी उसके बाद मैं सीधा कॉफिन में उठाता, वो भी कब्रिस्तानों में, मतलब ग्रेवयार्ड में। एक मिनट, ये रेडल कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, जल्दी चलता हूँ। ये क्या? अरे ये क्या हो गया? ये फ्रैंकलिन कैसे मारा? इसको किसने मारा? कहीं ऐसा ना हो अवेंजर्स ये सोचे कि मैंने इसको मारा है। अगर अवेंजर्स मुझ पर शक ना करें तो अच्छा ही रहेगा, इसलिए मैं फ्रैंकलिन की डेड बॉडी कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ। पहले उसकी कार हटाता हूँ, मैं नहीं चाहता अब सुपर विलन्स और सुपर हीरोज में कोई लड़ाई हो। ये क्या गाइस, रेडल का नाम ना लगे इस वजह से वो मेरी बॉडी को ग्रेवयार्ड में लेकर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रेडल की बातों से लग रहा है जैसे कि रेडल ने मुझे नहीं मारा है, लेकिन उसने मेरी बॉडी को ग्रेवयार्ड में क्यों? उसने बताया कि नहीं अवेंजर्स को कि मेरी मौत हो गई है। मुझे माफ कर दे फ्रैंकलिन, तेरे लिए यही अच्छा है कि तू यहाँ पर दफन हो जाए। नहीं रेडल, मत ये छोड़ो मारी, तूने मेरे दोस्तों को बताया कि नहीं? क्योंकि क्योंकि अवेंजर्स को लगता कि मैंने तुझे मारा है। फ्रैंकलिन मेरी बात मान, फ्रैंकलिन प्लीज, हां मुझे मत मार। फ्रैंकलिन मैं सच बोलता हूं, मैंने तुझे नहीं मारा है। तू चाहे तो मेरे पास में जाके देख ले, मैं तो बस अवेंजर्स के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर सारे सुपर विलन्स ने मुझे नहीं मारा तो किसने मारा? किसी सुपर हीरो ने मारा क्या? मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन भाई। गाइस मुझे अब रेडल के पास में एक और बार जाना पड़ेगा, सही से देखना होगा कि असल में चल क्या रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी मशीन चालू कीजिए। ओके गाइस मैं फिर से पास में आ गया हूं। अरे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, आज मजा आने वाली है, अवेंजर्स ने सबको पार्टी में बुलाया है। गाइस एक मिनट, ये रेडल किसको बुला रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुन, वो ब्लू रिवेंजर हल्क को, और हाँ ब्लैक फ्रैंकलिन तो ऑलरेडी पहुंच गया है, बस तू ही आ जा। गाइस ये शायद ब्लैक रिवेंजर हल्क को ही बुला रहा है, देखना पड़ेगा कि आगे होता क्या है। मेरा दोस्त आने वाला है, आज जिंदगी में मजा आएगा। एक मिनट गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन आ रहा है यहाँ पर। जल्दी बता रेड हल्क, ये क्या षड्यंत्र है? सुपर विलन्स को क्यों बुलाया गया है? मुझे लगता है सारे के सारे अवेंजर्स हमें मारना चाहते हैं, यहाँ तक कि पूरे स्टार्क मेंशन में अवेंजर्स में से ही किसी ने बॉम्ब बिछाए हैं हमें मारने के लिए, इसलिए यहाँ पर ढोंग ऐसे करेंगे हमें कुछ पता ना हो। लेकिन बॉम्ब बिछे हुए हैं इसलिए ध्यान रखना, समय निकलते ही भागना होगा। क्या गाइस, रेडल को और ब्लैक रिवेंजर को पहले से पता था कि स्टार्क मेंशन में बॉम्ब बिछे हुए हैं? और एक मिनट, ये लोग बोल रहे हैं कि बॉम्ब बिछाने वाला कोई नहीं बल्कि सुपर हीरोज में से कोई एक है, मतलब अवेंजर्स में से एक है। मुझे जल्दी टोनी स्टार्क के पास जाना होगा। टोनी स्टार्क, मैंने तो इस रेडल को और ब्लैक हल्क को नहीं छोड़ूंगा। ये लो, तुम लोगों ने यहां पर हमारे अवेंजर्स को मारने के लिए सारा प्लान बनाया था ना। अरे नहीं, तुझे गलतफहमी हुई है। टोनी स्टार्क मेरी बात सुन प्लीज भाई, मुझे सच सच बता। हां बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, किसने मारा आपको? मुझे माफ कर दे सिंचन मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पर मैं जल्दी पता करके रहूंगा कि मुझे किसने मारा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, एक गड़बड़ हो गई थी, असल में सुपर विलन्स को ज्यादा परेशानी कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको मारने के लिए हमारे स्टार्क मेंशन में बुलाया। क्या गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, टोनी स्टार्क मुझसे कुछ छुपा रहा है। कहीं टोनी स्टार्क ने तो मुझे नहीं मारा? नहीं फ्रैंकलिन, मैंने नहीं मारा। गाइस आप ही बताइए, ऐसा कौन सा एवेंजर हो सकता है जिसने सुपर विलन्स को मारने के लिए बॉम्ब्स लगाए थे टोनी स्टार्क के मेंशन में? गाइस मुझे तो सच बताऊं अब आयरन मैन पे शक हो रहा है, लेकिन मेरा भाई मुझे मारेगा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, उधर क्या चल रहा है? आज मैं इस बॉम्ब से उन सारे के सारे सुपर विलन्स का कल्याण कर दूंगा, उनको खत्म कर डालूंगा। देखिए गाइस, टोनी स्टार्क यहां पर पहले जब मैंने देखा था स्पाइडरमैन वाले पास में, जब परेशान था, वो बोल रहा था कि उसको सुपर विलन्स का कुछ इलाज करना होगा, और उसने सुपर विलन्स को पार्टी पर बुलाया है, और इसने ये बॉम्ब क्यों तैयार किया है? आज मैं स्टार्क मेंशन के चारों तरफ बॉम्ब्स लगा दूंगा, और जैसे ही मेरा दुश्मन उन बॉम्ब्स पे पैर रखेगा वो ऑटोमेटिकली फट जाएगा। क्या? लेकिन मैं तो टोनी स्टार्क का सुपर विलन नहीं था ना, मैं तो उसका दोस्त था ना गाइस, फिर मैं क्यों मरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोनी स्टार्क ने कहीं मुझे अपना दुश्मन तो नहीं मान लिया था? क्योंकि गाइस स्टार्क ने मुझे स्टार्क मेंशन से बाहर भी फेंका था। यहां पर बॉम्ब सही रहेगा। एक मिनट, की तो वही जगह है जहां पर मेरी मौत हुई थी। बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा, जो भी मेरा विलन होगा यहाँ पैर रख
फटते ही फट जाएगा। नहीं 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 गाइस, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे अपने आप को रोकना होगा। एक मिनट, यहाँ पर तो अभी पार्टी भी शुरू नहीं हुई है, क्या चल रहा है अवेंजर्स? एक मिनट, ये क्या? नहीं, यहीं तो मेरी कार खड़ी हुई थी। गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं जब यहाँ पर आ रहा था पिटकर अवेंजर्स से, तो मेरी मौत यहीं पर हुई थी। ओ नो नो, देखिए गाइस, ये बॉम्ब भी आ गया सामने। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन रुक जा, अरे बाप रे। तो गाइस, इस तरह से मेरी मौत हुई थी, टोनी स्टार्क ने मुझे मारा, लेकिन क्यों? लेकिन एक मिनट, टोनी स्टार्क को तो पता भी नहीं था कि मेरी मौत हो गई। टोनी स्टार्क, तेरे बॉम्ब्स की वजह से मेरी मौत हुई। क्या, टोनी स्टार्क ने मारा? नहीं फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तेरी मौत हो जाएगी भाई। अरे बाप रे, लेकिन एक मिनट गाइस, यहाँ पर रेडल को सबसे पहले चीजें पता थी। रेडल को पता था कि वहां पर बॉम्ब्स हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ऊपर से उसने तेरी बॉडी भी छुपाई हमसे। बिल्कुल, इसका मतलब रेडल तू ये जिसने मेरी बॉडी छुपा रखी है। जल्दी बता, मेरी डेड बॉडी कहाँ पर है? बताता हूँ, मैंने तेरी बॉडी यहाँ से निकाल कर स्टार्क मैंसन की गुफा में छुपा दी थी। क्या गाइस, देखा, ये रेडल की था जिसने मुझे मारा और मेरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। टोनी स्टार्क, अवेंजर्स, सॉरी दोस्तों, मैंने तुम सब पे शक किया, तुम मेरे अच्छे दोस्त। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मेरा प्लान तो बस इन सभी को मारना था। मेरे साथ चलो, मुझे पता चल गया मेरी डेड बॉडी कहाँ है। बिल्कुल जल्दी कर बच्चे, वरना तू मर जाएगा। नो गाइस, मुझे जल्दी से यहाँ पर अपनी डेड बॉडी ढूंढनी होगी। नहीं बिल्कुल, हल्का दोस्त बच कर रहेगा। गाइस हमारे पास बहुत कम समय है, जल्दी बैठो। भाई साहब, मेरा फ्रैंकलिन और तो ठीक तो हो जाएगा। हमारे पास कम समय है बच्चों, जल्दी करो। गाइस यहाँ पर ना रेड हल्क को सब पता था, उसको शुरुआत से पता था कि टोनी स्टार्क ने बॉम्ब लगा रखे हैं स्टार्क मेंशन में उनको मारने के लिए। लेकिन टोनी स्टार्क के कोर्स को उसने चेंज कर दिया और उसने विलन की एंट्री में मेरा नाम डाल दिया। इसी वजह से टोनी स्टार्क के बॉम्ब्स मेरे पैर रखते ही फट चुके थे और हल्क और जितने भी बुरे लोग थे वो सब बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टोनी स्टार्क का दोस्त जो बना लिया था और मुझे दुश्मन बना लिया था। तो भी गाइस यहाँ पर मैं सोचूं कि मेरी मौत कैसे हुई। सॉरी फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रेड हल्क मेरी टेक्नोलॉजी के साथ खेल खाल करके उन बॉम्ब्स का कोड बदल देगा और मेरे भाई तुझे ही मार देगा। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द बस ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल मेरे बच्चे, तू ठीक होकर रहेगा। वाह गाइस, क्या बात है, फाइनली। अरे बाप रे, मैं ठीक हो गया। गाइस मेरी बॉडी वापस आ गई। अरे हाँ, फ्रैंकी भैया जिंदा हो गए। हल्का दोस्त जिंदा हो गया। और बिल्कुल, अब सुपर विलन्स का क्या करें? गाइस अभी तो उनकी भी हमें बैंड बजानी है। बाकी गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।